न्यूज ट्रैक के इस फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, मैं हूं अखिलेश तिवारी और आज हम महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को लौट कर आए थे भारत में, उन्होंने यहां आज़ादी की अलख जगाई। वो कैसा टर्निंग पॉइंट था महात्मा गांधी के व्यक्तिगत जीवन के लिए, किस तरीके से भारत के आज़ादी के आंदोलन को उन्होंने दिशा दी, हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्री के विक्रम राव जी मौजूद हैं, जो इससे पहले भी तमाम अवसरों पर गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ लिख चुके हैं, गांधी जी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, मुलाकात कर चुके हैं। हम उन्हीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि गांधी जी का व्यक्तित्व कैसा था, गांधी जी जब आए तो भारत की परिस्थितियां क्या थीं, गांधी जी खुद कितने बड़े नेता थे और कैसे उन्होंने यहाँ पूरे भारत को अपना दीवाना बनाया। कहा जाता है कि गांधी के एक पग के पीछे हजारों लाखों कोटि पग चल पड़ते थे, वो गांधी कौन थे जिनकी एक लाठी डगमग पद के साथ में पूरा भारत आंदोलित था। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ट्रैक के फेसबुक में, फेसबुक लाइव पर। और सर बताएं आपके गांधी जी का व्यक्तित्व कैसा था, गांधी जी जब आए तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी भारत की और वो खुद कितने बड़े नेता थे। दो बातें तो पहले बता दूं, पादे क्या तथ्य हैं। एक, जो बापू गए भारत से लंदन बैरिस्ट्री पढ़ने और फिर वहाँ से दक्षिण अफ्रीका गए वहाँ के भारतीयों के लिए संघर्ष करने, तो वो साधारण वकील थे, साधारण इंसान थे, महात्मा नहीं हुए थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें महात्मा बना दिया। और दूसरी बात, ये एक नया एक फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन, एक दार्शनिक बात की उन्होंने, जो हेनरी डेविड थोरो ने अमेरिका में किया था, सुकरात ने उसके पहले किया था, प्रहलाद ने किया था हेनरी कश्यपु के खिलाफ, किस प्रकार इंसाफ के लिए संघर्ष करना है और सिविल नाफरमानी की चर्चा की थी। तो बापू के दो पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे और मैं बधाई देना चाहूँगा न्यूज ट्रैक को कि बापू के 150 साल पूरे होने पर इस चर्चा को कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 पीढ़ियों को याद दिलाना पड़ेगा कि बापू क्या थे, क्या नहीं थे और क्या उनके बारे में सोचते हैं। या एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने बापू को देखा है सेवाग्राह में, मैंने उनके पैर छुए हैं, तब मैं बहुत छोटा था, 5-6 साल का था, तो जो कुछ है मैं बापू को एक व्यवहारिक रूप से, एक निजी रूप से जानकारी के आधार पर कहूँगा। मसलन 27 साल बाद जब बापू लौटे भारत बैरिस्ट्री करके, दक्षिण अफ्रीका में जेल जाकर संघर्ष करके, तो वो तो एक दौर था उनका, और किस प्रकार उठा के बाबू को फेंक दिया वो टिकट कलेक्टर ने, पुलिस वालों ने दक्षिण अफ्रीका में, आप जानते हैं, वो तो इतिहास की बातें हैं। अगर बाबू को रेल से न फेंकते तो शायद भारत की आज़ादी और कुछ देर हो जाती। लेकिन जब 2015 में बापू, जब 1915 में बापू आए थे, जब उसकी शताब्दी मनाई गई 2015 में, तो मैं था गेट ऑफ इंडिया के पास बम्बई में 9 जनवरी को शताब्दी पे, और इतना सुंदर दृश्य था वो गेट ऑफ इंडिया से, हम लोग मार्च करके बॉम्बे यूनिवर्सिटी तक गए थे, एक बग्घी थी जिसे बापू और कस्तूरबा के रूप में दूसरे लोग बैठाए गए थे, और क्या अपार भीड़ थी, अभी 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पूरा बम्बई उबड़ गया था। तो मैं कल्पना कर रहा था कि 100 साल पहले जब बापू आए होंगे तब क्या दृश्य रहा होगा। मोहम्मद अली जिन्ना बापू के सबसे बड़े शत्रु रहे, उस वक्त वो हाजिर थे, और गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्या गांधी जी के भारत लौटकर आने से पहले उनकी प्रसिद्धि भारत पहुंच चुकी थी? हाँ बिल्कुल, खूब चर्चा हुई थी, अखबारों में खबर छपती थी, और खासकर भारत के अंग्रेज तो डरे हुए थे कि जब वहाँ साउथ अफ्रीका के अंग्रेज शासकों ने बापू की बात मान ली, सारे जो प्रतिबंध थे वापस ले लिए और आज़ादी की बात करने लगे, काले गोरे का अंतर खत्म कर दिया, तो भारत में तो चर्चा थी। खैर इतना तब ये टेलीविजन या प्रिंट मीडिया नहीं था जितना आज है, लेकिन तब चर्चा तो गांव-गांव में हुई थी
और भाषाई अखबारों में खासकर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब बापू आए थे यहाँ, 100 साल जब पूरे हुए, तो बम्बई का दृश्य अद्भुत था और मुझे लगा कि उस वक्त क्या हुआ होगा 100 साल पहले। बताइए, उस वक्त तो टेलीफोन सिस्टम नहीं था भारत में दूर संचालन का, अखबार बहुत देर से पहुंचते थे, मास मीडिया था ही नहीं। तब इस बागी ने दक्षिण अफ्रीका से बम्बई पहुंच के अलग जगह भारत में, और वहाँ मीटिंग हुई। मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजी में भाषण दिया, खैर बापू ने बाद में टोका, अरे सिखा बापू ने कि नहीं, यहाँ अंग्रेजी में भाषण नहीं होगा, गुजराती बोलिए, मराठी बोलिए या टूटी फूटी हिंदी बोलिए। बापू खुद टूटी फूटी हिंदी में बोले। तो तभी से एहसास हो गया कि आज़ाद भारत होगा तो आज़ाद भारत की अपनी जुबान होगी, अपनी भाषा होगी, अंग्रेजी की बैसाखी पे हिंदुस्तान नहीं चलेगा। ये उसी से संदेशा बापू ने इस देश को दे दिया। उस मीटिंग के बाद बापू मिले गोखले से, और उस वक्त क्या हालत थी भारत की, ये जो ज्ञापन है, मेमोरेंडम है, मिन्नत है, फरियाद है, अपील है, ये करते थे हिंदुस्तानी लोग। अंग्रेज़ों के पास चरण नहीं छूते थे, बाकी सब करते थे। इतने डरपोक निहत्थे, साहस नहीं था। बापू ने आके सबको बगावत का मंत्र दिया कि अब ये नहीं चलेगा, अब हम मिन्नत नहीं करेंगे, हम मांग करेंगे, अब हमें अधिकारियों के लिए संघर्ष करेंगे। तब एक बहुत बढ़िया किताब की चर्चा हो रही थी, हेनरी डेविड थोरो ने लिखा था, सिविल डिसोबीडियंस। हेनरी डेविड थोरो, जैसे आप सब जानते ही हैं, अमेरिका के बहुत बड़े विद्रोही रहे, उनको जेल में कई बार रखा गया, लेकिन वो लड़े अमेरिकी तानाशाही सरकार से और बड़े बड़े थैली शाहों से, अमीरों से, आम जन के लिए सिविल नाफरमानी शुरू की थी। लेकिन बापू का सत्याग्रह, जिस पर मैं आप आऊँगा, वो अलग था। वो सिविल डिसोबीडियंस नहीं कहते, हालांकि लोहिया ने बाद में सिविल नाफरमानी कहा, लेकिन बापू का सत्याग्रह था कि हम सत्य का आग्रह करेंगे। इसके माने हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच का सहारा लेंगे, हम जेल में कोई रियायत नहीं मांगेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, सत्याग्रह में नियमों का पालन करेंगे। कौन मानते हैं? आप देख रहे हैं आजकल जिस जंग से विदेश में होता आ रहा है पिछले 40-50 साल से, कितनी हिंसा होती है, सार्वजनिक बसें जला देना। बापू ने कहा था नहीं, ये सब नहीं होगा। तो सत्याग्रह की एक नई परिभाषा बापू ने दी थी, और उनके हिंदुस्तान में आने के बाद एक नवक्रांति का सृजन हुआ था। गांव गांव में बापू का संदेशा चला गया था। कई चीज़ें आप लोग जानते हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ इतना बताऊं कि बापू के 3 आंदोलन बड़े जबरदस्त रहे, जिन्होंने बूढ़े भारत में सही माने में फिर से जवानी को पैदा की। जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, वो 1857 में नहीं बल्कि बापू के आने के बाद इस देश में शुरू हुई थी। सबसे पहले उसमें कौन सा था? नमक। सांस और हवा के बाद, सांस में हवा और रोशनी के बाद सबसे बड़ी मांग आम आदमी की है नमक। और नमक न हिंदू नमक न मुसलमान नमक, दोनों तो बटे हुए थे, हिंदू मुसलमानों का अंग्रेजों ने बांट लिया था। तब बापू ने कोशिश की कि नमक सत्याग्रह के सॉल्ट, 1862 का सॉल्ट टैक्स नमक कानून था। बताइए, हमारा सागर, हमारा समुद्र, हमारी नमक, और हमें टैक्स देना पड़े इंग्लैंड की सरकार को, ये कोई मानवीय था? ये बापू ने कहा हम नमक कानून तोड़ेंगे 1862 का और नमक बनाएंगे। और गजब का चाहिए, जब वो 132 किलोमीटर दांडी गए तो एक अंग्रेज महिला ने कहा था, ओ फॉर ए फिस्ट फुल ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब क्या ये एक मुट्ठी भर सोडियम क्लोराइड के लिए ये बूढ़ा, ये फकीर जंग कर रहा है, लड़ रहा है, क्या है ये, अरे हम तो खरीद ही दे देंगे इसको। इतना अहंकार, इतना घमंड था ब्रिटिश महिला में। लेकिन एक ब्रिटिश जर्नैल था, फौजी कमांडर, बहुत बढ़िया, बहुत कभी कभी फौजी लोग बड़ा सच बोलते हैं। उस गोरे कमांडर ने कहा कि बापू को साबरमती आश्रम में गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। बम्बई के गवर्नर ने उनको जो 132 किलोमीटर चलने दिया साबरमती आश्रम से दांडी नवसारी तक, अच्छा नहीं किया।
हमारी फौजी भाषा में एक जीते हुए जर्नैल को अपनी जीती हुई भूमि पर घूमते हुए टहलते कब्जा करते दिखाया गया। एक विजय लास्ट था बापू के सत्याग्रह में, वो रोक देना चाहिए था। कितना सही कहा अंग्रेज ने, क्योंकि बापू जब गांव गांव से निकले, एक एक लोगों से मिले, वहाँ एक नवक्रांति बाबू ने कर दी थी, नमक हमारा है, नमक हम बनाएंगे। और तब इलाहाबाद से खबर आई थी, हालांकि जवाहरलाल नेहरू पहले इसके आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, उन्हें डर था, खौफ था कि नमक कानून से क्या होगा, जेल जाएंगे और कुछ होगा नहीं। लेकिन बरसाना के सत्याग्रह से साबित हो गया कि बापू सही कह रहे थे। तो इलाहाबाद में क्या, समुद्र तो है नहीं वहाँ, तो क्या किया जाए। तो ये जो लोनी जो दीवारों में आती है, नमक पैदा होती है, लोनी नमक कहते हैं उसको, तो नेहरू ने लोनी नमक बनाया, उसको गिरफ्तार किया और जेल गए। इस प्रकार एक क्या जागरण हो गया था फिलहाल। अच्छा, इससे लगता है कि बापू ने सब कुछ पहले अपने जीवन में खुद अनुसरण किया, खुद अपने जीवन में लागू किया, जिन सिद्धांतों को मानते थे उनको अपने जीवन में लागू करते थे, फिर दूसरों को प्रेरणा देते थे। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि बापू पहले इसके पहले किसी चीज़ के तुम गुड़ मत खाओ, खुद गुड़ खाना बंद करते थे, अपने पर लागू करते थे, इसीलिए वो इतने महान सफल हुए। तो नमक के बारे में सोच लिया था, पोरबंदर में समुद्र किनारे बैठे थे, उनको अचानक ये अंदाज हुआ कि नमक कानून तोड़ा जाए। फिलहाल दांडी से शुरुआत हुई हिंदुस्तान की इनकलाब की। 1857 में इनकलाब था, लेकिन केवल राजे रजवाड़ों के, जमींदारों के, अमीरों का था, वो आम आदमी तक नहीं गया था। आम किसान, आम भारतीय भी गुलाम बना था, दमित था, शोषित था वो। लेकिन दांडी मार्च से आम जन की भागीदारी इस राष्ट्रीय क्रांति में शामिल हो गई। और उसके बाद हम लखनऊ वाले बहुत खुश होते हैं उससे कि बापू फिर 1916 में लखनऊ कांग्रेस में आए। मुस्लिम लीग भी की मीटिंग यही थी, इतिहास में मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक एक साथ हुई। मोहम्मद अली जिन्ना भी यहाँ थे लखनऊ में, तब तक हिंदू मुस्लिम बटे नहीं थे, अंग्रेज तब तक सफल नहीं हुए थे इन दोनों को तोड़ने में। तो लखनऊ में अब ये चर्चित उदाहरण है, ये एक बिहार के एक आए राजकुमार शुक्ला, बापू से मिले लखनऊ कांग्रेस में कि बापू आपको बिहार चलना है, आपको चंपारण चलना है, बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों पर। बापू ने कहा अभी तो कैसे आऊँगा, अभी तो मुझे और भी काम है, अभी तो लौटा अफ्रीका से। उनका नहीं, आपको आना है। और वहाँ चंपारण, तो चंपारण का उदाहरण एक गजब का उदाहरण था दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन के बाद, जहाँ सीधी भागीदारी हिस्सेदारी थी आम आदमी की। अब चंपारण में क्या हुआ था, क्यों महत्व भारतीय इतिहास का, ये बड़ी दुखद बात है कि लखनऊ भारत के किताबों में जो पढ़ाया जाता है बापू के बारे में, तो कई चीज़ें बड़ी निर्जीव ढंग से, हम कहते हैं उसे अंग्रेजी में प्रोजाइक मैनर, एक गद्य के रूप में पेश होता है। गद्य नहीं, ये सब काव्यात्मक है, ये सब पद्य है। भारत का जंगे, भारतीय जंगे आज़ादी एक कविता है ये। बापू गए चंपारण, समस्या क्या थी, हम लोग अभी जो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं सब सोच रहे हैं इस बारे में, आखिर कैश क्रॉप और एसेंशियल क्रॉप, ये अंतर होता है। हमारे लिए गौ गाय गेहूं बाजरा जौ चावल ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं, आम आदमी खाता है इसको। आप उगाएंगे गन्ना या नील, ये कैश क्रॉप्स है, इसी के साथ अमीरों को फायदा होता है, अंग्रेजी शासकों को फायदा हो रहा था। बापू का नहीं, ये नील की खेती बंद होगी और अन्न जो महत्वपूर्ण है, जो भूखे मर रहे हैं, अकाल से मर रहे हैं, उनके लिए अन्न की खेती होगी। अंग्रेज नहीं माने, चंपारण के बिहार के अंग्रेजों ने बापू को धमकी दी, गिरफ्तार किया, परेशान किया, जुर्माना किया। बापू का मैं जुर्माना नहीं दूंगा, मैं सत्य के लिए आया हूँ, जुर्माना नहीं दूंगा। तो डर गए अंग्रेज, कहता तुमको हम जेल भेज देंगे, उनका मैं जेल जाऊंगा, वो और डर गए। तो पहली बार विश्व इतिहास में एक निहत्ता आदमी आंदोलन करता है, सफल होता है, और नील की खेती बंद करा के गरीब किसानों को आज़ादी दी गई कि जो फसल आप उगाना है उगाइए, कितनी बड़ी जीत थी। अच्छा, तो क्या उसमें यह था कि लोगों को गेहूं चावल उगाने की अनुमति नहीं थी, गेहूं धान नहीं कर सकते थे, केवल नील की खेती ही करनी थी? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको,
1944-45 में जब लाखों लोग कलकत्ता के फुटपाथ पर मरे पाए गए, लाशें पाई गई, उनके अंतड़ियाँ, पेट धसे हुए, गाल पिचके हुए थे, भूखा, भूकंप, भूखाल हो गया था, खाना था ही नहीं, क्योंकि सारे किसान जितने वहाँ अन्न पैदा होता था वो द्वितीय युद्ध में हिटलर के खिलाफ युद्ध करने के लिए अंग्रेजी सैनिकों को भेजा जाता था। अन्न नहीं उगा सकते थे, जो भूखा बंगाली मुहावरा बना है ये वही कलकत्ता से बना है। अपने खेत में अपना अन्न नहीं उगा पाए, ये लाचारी थी किसानों की। और आज जो लोगों ने बापू की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया है वाशिंगटन में या लंदन में, इन लोगों ने जो दिल्ली की किसान आंदोलन के समर्थक है, बड़ी शर्म आती है। चंपारण का क्रांतिकारी किसान नेता बापू, उसकी आप मूर्ति तोड़ेंगे? उसके वाशिंगटन में राजदूतावास सामने उसकी मूर्ति को ढकेंगे आप? बापू के खिलाफ आंदोलन करेंगे? बापू से बढ़ के किसान नेता इतिहास को हुआ नहीं है। तो बापू ने ये जो अधिकार दिलवाया जिसका बाद में भुगते हम लोग, बिहार भूखमरी में, बंगाल की भूखमरी में, क्या आप गेहूं उगा नहीं सकते, चावल उगा नहीं सकते, जौ बाजरा नहीं उगा सकते? आपको वही उगाना पड़ेगा जो अंग्रेज चाहेगा। ये आंदोलन के तो आज के संदर्भ में, आज के परिवेश में बापू इतने बड़े आंदोलनकारी थे, और कमबख्त ये लोग जाके बापू की प्रतिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए, मुझे तो लगता है सर कि वो बापू की प्रतिमा आप ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन जो मन में अंकित प्रतिमा है उसको नहीं तोड़ा जा सकता। बहुत सारे लोग बापू को चाहते हैं। एक और बात आती है कि बापू के बारे में जो मैंने जाना कि वो खुद अपने लिए सूत कात कर कपड़ा तैयार करते थे, खुद अपना शौचालय साफ करते थे, बल्कि पूरे आश्रम का शौचालय साफ करते, ये क्या था, वो ऐसा क्यों करते थे? इसका किस्सा बताऊं मैं आपको। विजयवाड़ा आंध्र में एक शहर है, तब तो कस्बा था, और वहाँ कृष्णा नदी बहती है। कृष्णा नदी सदा नीरा है, गंगा की तरह हमेशा पानी रहता है। वहाँ सम्मेलन बापू गए, तो वहाँ कृष्णा नदी में बापू ने देखा कि एक किसान लगा सटा पर खेत था, अधनंगा किसान, घुटने तक उसकी धोती, शरीर नंगा। बापू ने कहा ये कैसा है? और गोखले बाबू बता चुके थे तुम पहले भारत को पहचानो, भारत की यात्रा करो। और जब निकले बापू ने देखा किसान को, उनका अरे ये औसत भारतीय के पास नाभि से घुटने तक का ही कपड़ा है, और कपड़ा है नहीं। तब बापू ने कहा कि हम अपना कपड़ा खुद बुनेंगे, लंकाशायर मैनचेस्टर के हम कपड़े भारत में नहीं बिकने देंगे, ये उनकी होली जलाई जाएगी, हर आदमी अपना खुद बोएगा। और तकली और चरखे के आधार पर बापू ने अंग्रेजों के टेक्सटाइल एम्पायर को तोड़ दिया, कुचल दिया। और उसके बाद जब खुद सूत काटना, खुद अपने चरखा चलाना और खुद खादी पहनना, यही खादी का महत्व है। खादी एक शस्त्र था, खादी सबसे बड़ा हथियार था आप जंगी आज़ादी में, और बापू ने साबित कर दिया अपना कपड़ा जो देश बना नहीं सकता है वो लड़ेगा क्या। और उस किसान की बात तो वहाँ एक छोटा सा किस्सा हुआ था। एक बच्चा गया बापू के पास विजयवाड़ा में, वो तेलुगु भाषी था, मेरी मातृभाषा भी तेलुगु है। उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ कह रही है आप आधे नंगे हैं, तो आपके लिए वो कपड़ा सिल देगी कुर्ता पजामा। बापू ने कहा ठीक है, उसको हमारे पूरा कुर्ता पूरा पजामा सिल दे, मैं पहन लूँगा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, 40 करोड़ लोगों के सिलना पड़ेगा उसको, तो मैं सिल पाएगी। तो बापू का ये था 40 करोड़ कपड़ा और तकली चरखा सो सकता है। तो वो जन आंदोलन की शुरुआत थी, बापू का सपना था। उन्होंने बहुत पहले एक तरीके से कहा जाए कि तो स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने संदेश बिगुल उस समय बजा दिया था, कपड़ों के बारे में, कपड़ों के और नमक के बारे में, कि आप अपनी आवश्यक रोजमर्रा चीजें उगाइए, बनाइए, मैन्युफैक्चर कीजिए, और साथ ही साथ फिजूल खर्ची पर रोक होगी। ये जो ऐशो आराम की जिंदगी आज है, लोहिया कहते थे खर्चे पर लगाम लगाओ, खर्चे पर प्रतिबंध लगाओ। आप सबके दाम बांधो, दाम किस लिए बांधो? ये जो भारत का 8-10% है जो अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है, उसको रोकना है। तो बापू के संघर्ष का ये भी इतिहास रहा आर्थिक तंत्र पर, कि फिजूल खर्ची कम हो,
सस्ते में रहो, साधारण जीवन उच्च सोच, जो सिद्धांत है भारत का, उसे बापू ने लागू किया। यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, ये चर्चा अक्सर होती थी कि बापू ने विदेशी कपड़ों में आग लगाना क्यों शुरू किया। सवाल यही था कि आप जब विदेशी कपड़ा मंगाएंगे, ढाके के मलमल क्या हुआ? ढाके की मलमल का इतना विश्व व्यापार था, औरंगजेब की बेटी जब ढाके की मलमल की साड़ी 7 परत पहन के आई तो औरंगजेब ने कहा था कि नंगी तुम्हारी हो, कपड़े पहन के आओ। इतना महीन बारीक काम था। क्या क्या अंग्रेजों ने ढाके के जुलाहों के बड़े हुए नाखूनों को कटवा दिया, क्योंकि नाखून छेद करके वो निकालते थे कपड़ा। अच्छा। तोड़ दिया ढाके के मलमल का उद्योग को, खत्म कर दिया अंग्रेजी साम्राज्यवादी ने। तो बापू इसे पढ़ चुके थे, जानते थे, और खादी के पीछे यही फलसफा था। तो विदेशी कपड़ों जलाने के बारे में यहाँ एक और बात बता दूँ, भगत सिंह याद आती है। कई लोगों ने दुष्प्रचार किया बापू और भगत सिंह आपस में साथ नहीं थे, विरोधी थे, एक झूठ बात है। बापू ने कहा था भगत सिंह बारे में, जो किसी ने नहीं कहा, कि मैं भगत सिंह को सलाम करता हूँ, क्योंकि उस आदमी ने मौत पर जीत पा ली है, he has conquered death। और ये सिर फिर लोग कहते बापू माफी नहीं मंगवाई। ये तो झूठ प्रचार है, और मुझे लगता है कि किसी मतलब एक राजनीतिक स्वार्थ में सब किया जा रहा है। बापू को समझना वो पूना पैट की बात करो आप। हाँ, भगत सिंह कई जगह विदेशी कपड़ों को जलाने में अंग्रेजों के और मुस्लिम लीग के गुंडों ने भारतीय सत्याग्रही भाई भलियाओं के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की। भगत सिंह के लोग कानपुर में उतरे, मार के भगाए गुंडों को। वो हिंसा नहीं थी, वो आत्मरक्षा थी। भगत सिंह को सलाम करेंगे कि बापू के सच्चे अनुयायी वो थे। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोगों को पसंद भी आएगी ये बात, कि कपड़ों के अलावा आपको पता है 1957-58 तक हम लोग PL-480 में जिंदा रहते थे। अमेरिका का, कनाडा का गेहूं मंगाकर, वो सड़ा गला गेहूं जिसको कनाडा के रेलवे इंजन में जला देते हैं ताकि मार्केट के दाम बराबर रहे, उसको भारत भेजा जाता था, और हम लोग 1957 तक वो गेहूं खाते थे। ये तो एम एस स्वामीनाथन ने, कृषि वैज्ञानिक ने क्रांति की वही बापू के सिद्धांत पे, कि अन्न में कपड़े के साथ अन्न में जब तक स्वावलंबी नहीं हो गए देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और वहाँ से हरित क्रांति आई, और वहाँ से किसान हमारा देवता बना, अन्नदाता बना 1957। तो ये बापू की परंपरा रही वहाँ। अब यहाँ मैं थोड़ा कहना चाहूँगा विघटनकारी ताकतों के बारे में। मुस्लिम लीग एक दुर्भाग्य रहा इस देश का, भारत को बांटने में साजिश रही। बापू तो गजब के खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा जब तक ये दो अंग एक साथ नहीं आएंगे हिंदू मुसलमान, हम इस फिरंगी से लड़ नहीं सकते। तभी अंग्रेजों ने बेवकूफ़ी की, तुर्की में इस्तांबुल में खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया। बापू ने कहा कि भारत का मुसलमान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मज़हब से ज़्यादा जुड़ा है, को खलीफा के पुनर्स्थापन के लिए हिंदू जुट जाए, आंदोलन चलाए। कई लोग आज साहित्यकार लोग, ये इतिहासकार लोग लिखते हैं आज, ना समझ अनपढ़ लोग, कि खिलाफत आंदोलन चला के बापू ने भारतीय आंदोलन को कमज़ोर कर दिया। आप गौर कीजिए, बेपढ़े लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, मज़हब से घिरे हुए लोग हैं, नहीं समझते आज़ादी क्या है, गुलामी क्या है, अंग्रेज़ों को भगाना है। बापू ने उनको जगाया, नवजागरण का सृजन किया, उनसे कहा कि हम तुम्हारे खलीफा से संघर्ष करेंगे, तुम हमारे साथ आओ हिंदुओं के साथ अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। और उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता हुई है, न इतिहास में थी न कभी होगी। फिर वहाँ मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, महात्मा गांधी ट्रेनों में निकलते थे भारत में दौरे पर कि खिलाफत वापस आना चाहिए खलीफा को और अंग्रेज़ भारत छोड़ो। जबरदस्त था, लोग कहते हैं जबरदस्त आंदोलन था। अंग्रेजों ने खुद किताबों में लिखी है, वायसराय ने डिस्पैच भेजा लंदन बादशाह को, कितना जबरदस्त एका, इतना जन आंदोलन मैंने इतिहास में कहीं नहीं देखा। ये था बापू ने जगाया इन मुसलमानों को। लेकिन क्या हुआ फिर, आ गए लोग, मोहम्मद अली जिन्ना सलीक लोग आ गए,
तुम अलग हो, तुम अलग हो, हिंदू मुस्लिम अलग, अंग्रेजों का खेल था बंटवारा, देश को विभाजित करो। और तब से मुस्लिम लीग जो कांग्रेस पार्टी के साथ थी, संयुक्त आंदोलन था। और यहाँ बापू की ईमानदारी देखिए, मौलाना शौकत अली मोहम्मद अली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन्होंने बापू से कहा आप इतना समर्थन कर रहे हैं खलीफा के लिए, हम चाहते हैं अपील करके कि गौ वध इस देश में नहीं होगा, आज से कोई मुसलमान गाय का गोमांस नहीं खाएगा। मुस्लिम उनको ऑफर था, कहा उन्हें बापू का, नहीं इस वक्त गौ वध बंद करेंगे तो लोग कहेंगे हमसे आपसे समझौता हो गया है, सौदा हो गया है कि हम खिलाफत को सपोर्ट करेंगे, आप गोमांस नहीं खाएंगे। नहीं, वक्त आएगा तो हम गोमांस के खिलाफ अभियान करेंगे, अभी नहीं, अभी तो सीधा है खलीफा का। इतनी राजनीतिक ईमानदारी किसी जननायक में कभी दिखाई दी कि अपनी बात को अस्वीकार रहे बाबू। ये इसके बाद दूसरा उदाहरण आया पूना पैठ का, फिर आजकल के अम्बेडकरवादी और दलित लोग फिर विकृति करते हैं, बेढंगे ढंग से पेंट कर पेश करते हैं। बापू ने क्या किया था, पूना पैठ क्या है, अध्ययन करें, जो पढ़े इस बारे में। अंग्रेजों ने रैमजे मैकडोनल्ड, दुर्भाग्य था इस देश का कि वो सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर था, लोहिया जबरका नारायण का गुरु रहा रैमजे मैकडोनल्ड ने एक बनाया, मेलकम मैकडोनल्ड उनका, उनके प्रधानमंत्री उनके बाप थे रैमजे मैकडोनल्ड, तो मेलकम मैकडोनल्ड ने बनाया कि कम्युनल अवार्ड, बापू यरवदा जेल में थे, कि भारत में चुनाव आने वाले हैं तो पांच वोटर्स होंगे, पांच तरह के वोटर्स, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित, मतलब कोई बचा ही नहीं, अलग अलग रिजल्ट अभी तो दो ही हैं सवर्ण अवर्ण की, तोड़ दिया। अगर वो कम्युनल अवार्ड बापू न रोकते तो भारत पांच, एक पाकिस्तान नहीं, पांच देशों बढ़ जाता, सिखों का अलग होता, दलितों का अलग होता, दलित स्थान हो जाते, ये सब चीज हो जाते। तो बापू जानते थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की मुसलमानों को, नहीं अम्बेडकर की जिद थी, अंग्रेज नहीं माने थे। तब बापू ने यरवदा जेल में भूख हड़ताल की, ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी, बापू मर गए थे। डॉक्टर बिधान चंद्र राय बापू के फिजिशियन, बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी आज़ादी के बाद, उन्होंने कहा तो बापू तो निधन हो गया 1932 यरवदा जेल में, ये स्थिति थी। लेकिन एक हिंदू होने के नाते मैं विश्वास करता हूँ भगवान पर, चमत्कार था भगवान का। बीसी रानी ने लिखा वाकई में चमत्कार था भगवान का कि मरा हुआ भी जीवित हो जाए, क्या बात। अम्बेडकर डर गए, अम्बेडकर ने कहा कि अगर कुछ हुआ बापू को तो गजब हो जाएगा, फिर कोई हिंसा हिंसा नहीं, सीधी हिंसा होगी। तो कहा बापू से क्या समझौता होगा, उनका दलित हिंदुओं के हिस्से हैं, हिंदू समाज के हिस्से हैं, हाँ सिखों को ईसाइयों को मुसलमानों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन दलित हमसे अलग नहीं हो सकते। और ये पूना पैक्ट था, अगर ना होता तो आप सोचिए आज ये चंद इने गिने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये जो तीन सवर्ण हैं यही होते हिंदू, बाकी सब हिंदू कट जाते, माइनॉरिटी में होती अपने देश में, हिंदू कुल में लगा 18-20% होते, ये हालत थी। बापू ने बचा लिया इस देश को और इस देश के धर्म को, इतिहास को, भूगोल को। तो ये पूना पैठ बड़ा महत्वपूर्ण है जो आज़ादी के बाद में। एक एक तथ्य पर गौर करना पड़ेगा हम लोगों को, जितने भी जन आंदोलन हुए सब किसी से किसी आर्थिक मांग को लेके अथवा राजनीतिक मांग को लेके। बापू सर्वांगीण आंदोलन चलाते थे, बेसिक तालीम शिक्षा के बारे में, जन स्वास्थ्य के बारे में, राजनीतिक आज़ादी के बारे में, बोलने की आज़ादी के बारे में, ग्राम पंचायत, पंचायत का क्या आर्थिक नीति ठीक हो, मतलब भारत का पूरा जो हम लोग कहते हैं इन टोटैलिटी, एक सर्वांगीण दृष्टिकोण बापू का था। उन्होंने सेवाग्राम में क्या किया, बुनियादी तालीम चलाया, डॉक्टर जाकिर हुसैन उसके इंचार्ज थे, तो शिक्षा की हमें इस प्रकार अगर आप गौर करें, केवल एक आंदोलन नहीं, बापू ने देश को उत्थान, और यहाँ दुखद स्थिति क्या है, एक चिट्ठी लिखी बापू ने जवाहरलाल नेहरू को कि आप जो नीति बना रहे योजना की, आप रूस से लौट के आए हैं, वो लेनिन स्टालिन की तरह आप भारत में योजनाबद्ध करेंगे तो ये देश के
पक्ष में नहीं होगा, मैं सहमत नहीं हूँ। तब नेहरू का की विचारधारा थी कि नहीं, चिट्ठियाँ हैं सब डॉक्यूमेंटेड है लेटर्स ऑफ नेहरू में, कि हमें इस प्रकार गौर करना पड़ेगा, सर्वांगीण विकास पे उसका समय आएगा, वक्त आएगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, शुरुआत में ये नहीं हो सकता। और क्या हुआ इसका नतीजा? इसके नतीजे में आज भी आज इस प्रधानमंत्री को गांव में पाखाना बनाने के लिए आंदोलन चलना पड़ा है। इसी शर्म, ग्लानी, घृणा कोई बात हो सकती है कि आज़ादी के 70 साल बाद लोटा लेके मैदान में जाने बजाय अब ये प्रधानमंत्री बना रहे हैं पाखाना वगैरह? ये सब 1947 बनना चाहिए था। नहीं, बापू की बात नहीं मानी गई, ये हुआ। एक और बात आती है कि बापू ने क्या था वो, कैसे अहिंसा का आंदोलन उन्होंने किया, कैसे उन्होंने सत्याग्रह की बात की, क्या था ये उनकी कौन सी समझ थी जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके के आंदोलन का सूत्रपात किया, और कैसे ये भारत की आज़ादी के संघर्ष में निर्णायक बना? ये राजनीति शास्त्र का छात्र लिख जाती है। मेरी ये मानना है कि बापू अपने वक्त से बहुत आगे थे। भारत उस वक्त अहिंसा की तैयारी नहीं थी। चौरी चौरा में क्या हुआ, लोग नाराज हो गए, जब जिंदा है वो जला दिया सत्याग्रहियों को, तो पुलिस को जला दिया उन्होंने। तब भारत बापू ने आंदोलन वापस ले लिया। तो यही कारण था, भारत तैयार नहीं था अहिंसा के लिए। लेकिन फिर जिस प्रकार धीरे धीरे लोगों को समझाया, क्योंकि सोचिए आप, राधा कृष्ण ने बहुत सुंदर बात की थी राष्ट्रपति ने, अभी भारत तैयार नहीं है बापू के विचारों के लिए। क्यों? सुकरात को जहर दिया गया था, हेनरी डेविड थोरो को जेल में रखा गया था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। बापू को भी मरना ही होगा मौत के लिए, उनके मौत से संदेश आ जाएगा कि अहिंसा जरूरी है, और वही भारत को लाभ हुआ। आखिरी सवाल एक करेंगे कि अगर बापू 9 जनवरी को लौट कर ना आए होते भारत, दक्षिण अफ्रीका में एक बैरिस्टर की नौकरी का, बैरिस्टर के तरीके का जीवन जीते, आंदोलन करने की आवश्यकता न होती, भारत को बापू का नेतृत्व न मिलता, तो आज़ादी कब मिलती हमें? ये तो ज्योतिषी बताते हैं, लेकिन कैलेंडर बहुत लंबा खींचता है। 15 अगस्त न हो पाता, शायद 15 अगस्त होता तो 2020 का होता, 47 का नहीं। और बापू ने उस वक्त ये समझ लिया था साफ तौर पर कि जब तक हम गर्व को नहीं तोड़ेंगे, और यहाँ एक बार बताओ आपको, सबसे नीच कार्य क्या है? संडास साफ करना, पाखाना साफ करना। मैंने सेवाग्राह में बच्चा था, देखा मैंने जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभि सीतारमैया, जितने बड़े बड़े नेता आचार्य कृपलानी आते थे, बापू सबको झाड़ू देके कहते पहले जाओ पाखाना साफ करो। तो मुझे आश्चर्य लगता था आपकी, और सब करते थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बदले सेवाग्राह में पाखाना साफ करते थे। अहंकार तोड़ो, नीच से नीच काम कराओ, तब समझेगा हाँ हमें क्या सेवा करनी है और लोगों से क्या, लोग क्या अपेक्षा करते हैं। जब तक ये लोग नहीं करेंगे, तब तक आप आसमान से उतरे, पैराशूट से उतर के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और नेता बन रहे हैं बिना जानकारी किए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ टेक से बात करने के लिए। तो राव साहब ने एक बड़ी बात कही है कि बापू ने लोगों का अहंकार तोड़ा, ऊंच नीच का भेद मिटाया था, और भारत के आज़ादी आंदोलन को एक ऐसी दिशा दी, ऐसा आधार दिया जिससे आज़ादी हमें 1947 में मिली, नहीं तो शायद 2020 का भी वक्त होता जब हमें आज़ादी मिलती, या 2020 भी शायद हमारे लिए सपनों का ही समय होता। न्यूज़ ट्रैक के इस आयोजन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी अन्य आयोजन पर हम दोबारा आपके साथ होंगे। नमस्कार।